ठीक है तो पहले क्या करेंगे सबसे पहले लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है हमारे पास लेट क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको हमने मान लिया अब इसके बाद एंड इट्स जीरोज भी एल्फा एंड बीटा आर गिवन एंड इट्स जीरोज एल्फा एंड बीटा आर गिवन ठीक है हमें क्या दे रखे हैं एल्फा और बीटा एंड इट्स जीरोज वी एल्फा एंड बीटा ठीक है and beta, and हमें क्या है नॉट गिवन हमें जीरोज नहीं दे रखे हमें क्या दे रखा है हमें तो हमने मान लिया कि एंड इट्स जीरोज एल्फा बीटा और इनके एल्फा बीटा क्या है जीरोज हैं अब वी हैव हमारे पास क्या है नाउ वी हैव क्या दे रखा है हमें एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है वन एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है वन जब हमारे पास एल्फा प्लस मतलब सम ऑफ जीरो एंड सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ़ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखे हैं तो आपने क्या करना है सीधे सीधे इस इक्वेशन को फॉलो करना है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस एल्फा बीटा ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा है ना ये आपको फॉलो करनी है इक्वेशन अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी आपको वन वन इन टू एक्स करेंगे तो वन हो जाएगा तो ये हो गया एक्स माइनस बीटा प्लस सॉरी ये प्लस है ना तो बीटा की वैल्यू कितनी देर वन तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ठीक है ये आ गई आपकी पोलोनोमियल तो दिस इज अ पोलोनोमियल विच इज फुलफिल्ड आर कंडीशंस जो हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही हैं वो हमारा ये इक्वेशन निकल के आ गई तो ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर हो गया आपका और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है इससे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा आंसर ठीक है कोई दिक्कत यहां पे बताओ नहीं ना